Welcome to Bowl Exam. Best of luck for exams. Subscribe the Bowl Exam. Also press the bell icon. Here is your teacher and let's start the class. तो दोस्तों आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म या एब्रीवेशन. तो स्टार्ट करते हैं TDC, जिसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, यानी सिलेंडर का वो भाग जिसमें पिस्टन और अधिक ऊपर नहीं जा सकता. नेक्स्ट है BTDC, दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो इसको बोलते हैं बिफोर टॉप डेड सेंटर, यानी पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने से पहले. नेक्स्ट है ATDC, आफ्टर टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने के बाद. नेक्स्ट है VDC, तो VDC की एब्रिविएशन होती है बॉटम डेड सेंटर, यानी सिलेंडर का ऐसा भाग जिसमें पिस्टन और अधिक नीचे नहीं जा सकता. नेक्स्ट है BVDC, बिफोर बॉटम डेड सेंटर, यानी VDC पर पहुंचने से पहले. नेक्स्ट है AVDC, यानी आफ्टर बॉटम डेड सेंटर, यानी BDC पर पहुंचने के बाद. नेक्स्ट है IVO, इनलेट वाल्व खुलता है जिसको बोलते हैं, यानी इनलेट वाल्व ओपन. IVC, इनलेट वाल्व क्लोज. EVO, एग्जास्ट वाल्व ओपन. एग्जास्ट वाल्व क्लोज, यानी EVC. IS, इग्निशन आरंभ होता है, यानी IS, इग्निशन स्टार्ट्स. नेक्स्ट देखते हैं. तो अब कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रैंक गियर के 18 दांते हों तो कैम गियर के कितने दांते होंगे. दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. तो दोस्तों ध्यान दें, क्रैंक गियर के यदि 18 दांते हो तो कैम गियर के कितने दांते होंगे. तो इसका राइट आंसर रहेगा 36 दांते, क्योंकि अगर क्रैंक शाफ्ट दो चक्कर लगाती है तो कैम शाफ्ट उसका आधा यानी एक चक्कर लगाएगी. इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो कैम शाफ्ट है उसमें जो दांते हैं उनकी संख्या जो है वो क्रैंक गियर की अपेक्षा अधिक है. नेक्स्ट है, क्रैंक गति से कैम गति कितनी होगी. ऑप्शन दिए हैं 2 गुना 1/4, समानुगत गति या आधी. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आधी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इंजनों में लिफ्टर एक्सिस और कैम लोब एक्सिस बनाते हैं ताकि कैमशाफ्ट बुश समान घिसें, लिफ्टर घिसावट समान हो, कैम लोब कम घिसे, वाल्व कम देर तक खुले. दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लिफ्टर घिसावट समान हो. नेक्स्ट है, निम्न में से किस इंजन में एग्जास्ट वाल्व इंजन ब्लॉक व इनलेट वाल्व हेड में लगता है. ऑप्शन दिए हैं आई टाइप, एफ टाइप, टी टाइप, एल टाइप. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एफ टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्वों का TDC या VDC से पहले खुलना क्या कहलाता है. ऑप्शन दिए हैं लैग, लीड, ओवरलैप, स्ट्रोक. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लीड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में दोनों वाल्वों का कुछ अंश खुले कहलाता है. ऑप्शन दिए हैं लीड, लैग, ओवरलैप, वाल्व टाइमिंग. तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओवरलैप. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्वों की TDC या VDC के बाद बंद होना क्या कहलाता है. ऑप्शन दिए हैं लीड, लैग, ओवरलैप, वाल्व टाइमिंग. तो इसका राइट आंसर है लैग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूप सिक्वेंसिंग विधि में पोर्ट स्थापना कहाँ होती है. ऑप्शन दिए हैं सिलेंडर टॉप पर, सिलेंडर में एक दूसरे के आमने सामने,
एग्जॉस्ट सिलेंडर टॉप पर व इनलेट सिलेंडर साइड पर, सिलेंडर की एक ही साइड पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर में एक दूसरे के सामने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नाउ बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड कीप कनेक्टेड। बाय।